जय सियाराम। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के लिए और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठान के लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयां। और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन नरेंद्र मोदी सर यानी कि हमारे देश की पीएम सर ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठान संघर्ष के लिए नहीं समाधान के लिए है। तो हमारे जो स्टेट है त्रिपुरा, यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छी न्यूज है, बहुत सारे अच्छी खबर है क्रिकेट को लेके, खेल जगत को लेके। दोस्तों, हमारे स्टेट त्रिपुरा की मणिशंकर मरा सिंह को क्रिकेट जगत में लाला अमरनाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले मैं उनको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। और हाँ, जॉन जमातिया को भी अंडर 17 फुटबॉल टीम में, इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला है, उसके लिए जॉन जमातिया को भी ढेर सारी बधाइयां। साउथ अफ्रीका के लंस क्लोजनर जो कि अभी त्रिपुरा की क्रिकेट कोच हैं, आप सोच सकते हैं क्या? जब बचपन में जब हमने इनको टीवी में देखा था, खेलते हुए देखा था, तो कभी ये कल्पना में भी सोच नहीं सकते थे कि वो कभी त्रिपुरा स्टेट की क्रिकेट कोच बन के आएंगे त्रिपुरा में। इसका मतलब तो ये साफ है कि त्रिपुरा ग्लोबली कितना आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब रोनाल्डो, मेसी ऐसे प्लेयर भी त्रिपुरा में आना चाहेंगे और त्रिपुरा की मिट्टी में जो पले बड़े हैं उन बच्चों की कोच बनना चाहेंगे। दोस्तों, त्रिपुरा की मिट्टी में बड़ी जान है। मणिशंकर मरा सिंह, जॉन जमातिया, लक्ष्मीता रियंग, ये सब तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बस उन कोहिनूरों को हर वो गली से, हर वो गांव से निकालना बाकी है। उन बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उन बच्चों में जज्बा बहुत ज्यादा है, बस उनको तराश के निखारने की जरूरत है। वरना अपने त्रिपुरा की हर एक गली में आपको, मैंने जैसे कि पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि हर एक गली में आपको रोनाल्डो, मेसी, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर मिल जाएंगे। बस चंद कुछ चीजों को ना अपने जो खेल जगत है उससे हटाने की बहुत जरूरत है। नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स, इन सब को अगर दूर रखोगे ना, देश के लिए है यार, देश के लिए जो सम्मान मान ये बढ़ाने वाले हैं, उन सब चीजों में तो यार कम से कम पॉलिटिक्स और ये नेपोटिज्म, ये सब जो चलता है, इन सब को थोड़ा दूर रखे, अपने देश के लिए सोचे और ऐसे बच्चों को आगे लाए जो सच में टैलेंटेड हैं। त्रिपुरा की खेल जगत को अगर पर्सनैलिटी से दूर रखा जाए तो शायद मोहम्मद शमी को कभी भी त्रिपुरा क्रिकेट टीम से वापसी नहीं करना पड़ता, उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता। क्या आप सबको पता है मोहम्मद शमी जो है? जी हाँ, मोहम्मद शमी को जो है त्रिपुरा क्रिकेट टीम्स में नहीं लिया गया था। वो आए थे यहाँ पे खेलने पर उनको टीम में नहीं रखा गया था, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। बड़ी कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि मैंने ये खुद मोहम्मद शमी की एक इंटरव्यू में देखा है। और जब तक त्रिपुरा के खेल जगत में पार्शियलिटी, नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स ये सब होगा ना, तब तक ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं रिजेक्ट होते रहेंगे। और इससे पहले न जाने और कितने अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे, शायद नेशनल इंटरनेशनल लेवल में खेलते, वो झड़ गए, कहते हैं ना, वो बिखर गए। ये सब अगर नहीं होता तो शायद वो लोग आज अलग ही लेवल में होते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद अभी मुझे देखेंगे, देख के ये कनेक्ट भी कर पाएंगे, हाँ यार मैं भी शायद नेशनल टीम में खेलता, मैं भी इंटरनेशनल टीम में खेल पाता शायद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो देश के लिए जहां पे खेला जा रहा है, देश को जहां पे रिप्रेजेंट कर रहा, किया जा रहा है, वहां पे मुझे लगता है कि जो सिस्टम है, जो नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स, पार्शियलिटी, ये सिस्टम को बहुत दूर रखना चाहिए। वहां पे सिर्फ एक ही सोच काम करना चाहिए कि मेरे देश के लिए बेस्ट प्लेयर्स आगे आना चाहिए। चलो कोई ना, देर से आए पर दुरुस्त आए। मणिशंकर मरा सिंह और जॉन जमातिया अब युवाओं के आइडियल बन चुके हैं। उनको देख के युवाएं क्रिकेट, फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं उनकी जगह पे हमें भी जाना है, उनके जैसे हमें भी बनना है। तो ये हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि वो भी आगे और आगे जाए और हमारे सिर्फ नेशनल में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी वो खेल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, कॉक ब्लॉक में मेरी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे YouTube में फॉलो कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा, बाय।